एग्जामिनेशन के समय में उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व किया कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास वक्त पहले होता है। रिवीजन का मतलब होता है सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इनमें वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको पहले सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम में डाले थे। ऐसे ही एक क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है, लेकिन एमसीक्यू हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, जब तक आपके पास उसका कंसेप्ट नहीं होगा आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता है कि चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को टिक लगा दो तो आपको मार्क्स मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का तो है। ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में यानी कि एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। आप ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड है। दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हो कि ए बी बी सी सी डी और डी ए किसी क्वाड्रिलेटरल का ये वो फोर साइड्स है जो कि टेंजेंट्स है। इस सर्किल के लिए ये चारों साइड्स टेंजेंट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, तब तक आप उसको क्लियर समझ नहीं पाएंगे। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का सेंटर गिवन है और इस प्रकार से कि इसके वर्टेक्स को वर्टेक्स नहीं बल्कि वर्टिसेस को ए बी सी और डी चारों वर्टिसेस को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन किया गया। ओ बी ओ ए ओ सी और ओ डी इस प्रकार से कि एंगल ए ओ बी 125 डिग्री गिवन है, तो आपको फाइंड करना है एंगल सी ओ डी क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको ये जो इसका कंसेप्ट है इसको समझना पड़ेगा। सर्किल चैप्टर क्लास 10 में एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा कि अगर किसी सर्किल को किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स टच करता है, यानी कि कोई सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को टच करता है उसके चारों साइड्स, तो ऑपोजिट साइड्स सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक तो जब सर्किल के अंदर होगा तभी हम उसको साइक्लिक बोलेंगे, ये सर्कमस्क्राइब्ड है। और इसका चार साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए टेंजेंट्स के रूप में वर्क कर रहा है, तो इसके किसी भी ऑपोजिट साइड की बात करें हम ए बी या सी डी या ए डी और बी सी, कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, ये क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आने की पूरी संभावना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में ऑपोजिट साइड्स सेंटर पर जो ये एंगल बनाया गया यानी ए ओ पी और सी ओ डी, इसको एक छोटा सा ब्रीफ सॉल्यूशन दे देता हूं। जहां पर ये पॉइंट ऑफ टच है, कॉन्टेक्ट है, जहां पर कि सर्किल को ये टच कर रहा है, पी क्यू आर और एस मान लेते हैं। अब ये पी से इसको ज्वाइन करते हैं,
एस से ज्वाइन करते हैं, क्यू को ज्वाइन करते हैं और आर को ज्वाइन करते हैं। ए पॉइंट से एपी और एएस दो टेंजेंट है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा एक्स और एक्स इसको मान लेते हैं। फिर बी पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है बीपी और बीक्यू, तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसको हम लोग वाई और वाई मानेंगे, एक्स एक्स नहीं मान सकते कि एक्स इस एंगल को माने हैं। फिर सी पॉइंट से ये दो टेंजेंट है, तो ये जो दो टेंजेंट है तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल इस बार इक्वल हो जाएगा, ये थ्योरम ही है, इसको हम लोग जेड और इसको भी जेड मान लेते हैं। फिर एक पॉइंट डी है, एक्सटर्नल पॉइंट, जहां से कि डी आर और डी एस दो टेंजेंट है, तो इस प्रकार से ये जो एंगल बनेगा दोनों, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको पी मान लेते हैं, उसको पी मान लेते हैं। अब किसी भी पॉइंट पर, ओ इज ए पॉइंट एंड एट एनी पॉइंट सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो सम ऑफ एंगल्स कितना बन रहा है, यहां पर टोटल एंगल्स आप देखोगे एक्स दो बार, वाई दो बार, जेड दो बार, पी दो बार, यानी कि 2x प्लस 2y प्लस 2z और प्लस 2p इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसे 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये 2 को उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी है क्या, तो x इतना सा एंगल है और y इतना सा है, ये दोनों एंगल x प्लस वाई ए बी पर बना हुआ एंगल है, और फिर बच जाता है z प्लस वाई, तो z प्लस पी है, तो z और p ये है, यानी ये पूरा एंगल है, और ये पूरा एंगल किस साइड पर बना है, तो सीधी साइड पर बना है, तो दोनों अपोजिट साइड पर जो एंगल सेंटर पर बनेगा उसका सम 180 होगा। आप इस साइड से भी और इस साइड से भी देख ही लो, यहां पर ये x है, ये AD साइड पर x प्लस p, तो इस बार हम x और p को एक साथ रखेंगे, और फिर ये BC साइड पर बन रहा है y प्लस z, तो y और प्लस z, रिजल्ट एक ही आएगा, सम ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द ओपोजिट साइड ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही था वो थ्योरम, और अगर इस थ्योरम को आप जानते हैं तो ए बी और ये सी डी दो ऑपोजिट साइड किसी सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का है, तो इस पर जो एंगल बनेगा ये दोनों, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो इस नियम के मुताबिक जिसको हमने अभी प्रूव किया, AOB का वैल्यू 125 है, तो 125 डिग्री प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री, इसका मतलब एंगल COD इज इक्वल टू 55 डिग्री होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको सही में मजा दिया तो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक तो करते हो नहीं भूल ही जाते हो, वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो, नया हो तो सब्सक्राइब ही कर दो, वो बेल जो है प्रेस कर दोगे तो जितना भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। क्लास 10 वाले बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट में बना रहा हूँ, जरूर तैयार करते जाओ, नहीं अगर कंप्लीट है सिलेबस तो डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं ना।